रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लेंगे टू द जेड बाई ई रेशियो। ओके, अब सी वाला ले लेते हैं, जैसे के पॉजिटिव। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? 38 कितना? 38 होता है। ओके फाइन, और आर्गन का 18 बराबर है, डन। अब नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को पता ही है क्या रहेंगे, ठीक है? जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें 19 ही होते, इसमें 38 ही होते और इसमें 18 ही होते। अब हम बात करेंगे चार्जेस की, ठीक है? तो चार्ज इसके ऊपर कौन सा है? एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नो चार्ज है, जीरो चार्ज है। तो मैंने समझा था पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं वहां पर? तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। देन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 36 बचेंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 18 ही बचेंगे। अब हम निकालते हैं Z by E। Z का मतलब क्या होता है पता है ना? What do you mean by Z? Z का मीनिंग क्या होता है? अरे बताइए Z का मीनिंग क्या होता है? हेलो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है भाई जेड का मीनिंग, एटॉमिक नंबर मतलब जेड होता है। ओके, और टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ ई की बात कर रहा हूँ। तो जेड कितना इसका? 19 डिवाइडेड बाय 18। ओके, हाँ इसका क्या होगा? 38 डिवाइडेड बाय 36 और इसका क्या हो जाएगा? 18 बाय 18। तो बताओ इसका आंसर बताओ, 19 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा? 1.05 के करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। देन लेटर ऑफ नेम 1.05 डिवाइड बाई 36 का 1.05 आ रहा है और उसका कितना आ रहा है? वन आ रहा है, बराबर है, डन। तो उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो जनों का जेड बाई ई रेशो सेम आ रहा है ना? तो अगर आप लोग का जेड बाई ई रेशो सेम आ रहा हो तो आप क्या करोगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे पीरियड के हिसाब से? किसके हिसाब से? पीरियड के हिसाब से भाई, कौन पहले पीरियड में आ रहा है? जैसे आपको पता है पोटेशियम जो होता है वो कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड में आता है, बराबर है, डन। लेटर ऑन देन और पोटेशियम कौन से इसमें आता है? फोर्थ पीरियड पोटेशियम फोर्थ पीरियड में आ रहा है। और एसआर फिफ्थ सर फोर्थ ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। कौन? मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? पहले वाले हलीनाक की रब्स के फरियाद वाले में आता है, बराबर है, राइट। लेटर ऑन एसआर कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर टू। सेकंड ग्रुप नंबर टू में आता है क्या सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, पीरियड नंबर टू। हाँ सर, नंबर ग्रुप टू पीरियड में आता है, ग्रुप टू पीरियड में। आगे कार
सुनकर ये पोटेशियम कौन से पीरियड में आ रहा है? फोर्थ पीरियड में. और SR कौन से पीरियड में आ रहा है? फिफ्थ पीरियड. तो आपको पता है ना, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो भाई इन दोनों में से ज्यादा बड़ा किसका रेडियस होगा? SR का. बराबर है. अब हम लोग को सिर्फ डिटरमाइन करना है कि पॉजिटिव और AR का. तो हम लोगों ने Z बाई E रेशो निकाला है. इसका 1.05, इसका 1 है. बराबर है. तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब Z बाई E रेशो जितना बड़ा उतना है उसका रेडियस कम. तो इसका बड़ा है मतलब इसका रेडियस क्या होगा? कम होगा. कम होता है. क्लियर है? हाँ सर. कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है. तो अभी हम आगे वाले रेडियस की बात करेंगे. देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे पता है ना? वी वेर टॉकिंग अबाउट किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? ये सारी चीजें क्या देखी हमने? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. बराबर है. तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस कितने थे हमारे पास? चार. कौन कौन से थे वो चार? सेकंड था कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस. थर्ड कौन सा था? मेटालिक रेडियस. मेटालिक रेडियस. कौन सा था? वैंडर वॉल रेडियस. तो ये सब के सब क्या है? व्हाट आर दीज? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. ओके. तो अभी हमने आयनिक रेडियस देख लिया. अभी हम सेकंड रेडियस की तरफ बढ़ते. तो सेकंड रेडियस कौन सा है भाई हमारा? कोवेलेंट रेडियस. तो बताओ कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है? जैसे आयनिक रेडियस मतलब इट इज द रेडियस ऑफ एन एटम. तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोवेलेंट रेडियस? रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. रेडियस ऑफ कोवेलेंट. कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कोवेलेंट क्या है? क्या वो एक्चुअली शेयरिंग बॉन्ड? बॉन्ड होता है कोवेलेंट. क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड है. बॉन्ड. ये कैसे तैयार होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी बॉन्ड तैयार होता है, बॉन्ड किसके बीच में तैयार होता है? एटम्स के बीच में. मतलब ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दो एटम के बीच में क्या तैयार होता है? बॉन्ड. बॉन्ड तैयार होता है और वो शेयरिंग की वजह से तैयार होता है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं. हाँ. बराबर है. एक के ऊपर एक निकालते हैं या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं एक दूसरे को सिंपली टच करके. कौन सा सही है, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला. इसको कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऐसे होता है. समझे? तो ये क्या है? ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब देखिए ये दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ गए और ये तैयार हुआ कंपाउंड. आपको पता है ना, व्हेन एटम्स फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर इट फॉर्म्स द कंपाउंड. तो इस कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड कैसे तैयार हुआ है? ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड. इसीलिए हम इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड कहेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड. समझ में आ रहा है? तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? इट इज द रेडियस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. बराबर है. डन. तो अब हम देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियस कैसे होता है. तो ध्यान, दो एटम है, इन दो एटम का ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस है. ओके. समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. सेंटर ऑफ द एटम. एटम कौन सा एटम जो क्या हुए? कोवेलेंटली बॉन्डेड है.
कौन से एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। समझ में आ गया, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो क्या ड्रॉ किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। गॉट इट? यस। समझ में आया ना मैंने क्या निकाला हुआ है तो? हाँ, तो बताओ ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, इसको ही मैं कोवेलेंट रेडियस कहूंगा क्या? हाँ। ओके, इसको कोवेलेंट रेडियस कहेंगे क्या हम लोग? हाँ ना, इसको कहेंगे क्या कोवेलेंट? हाँ महेश, कुछ पूछना है तुझे? नहीं पूछना है, ठीक है। तो भाई इसको कोवेलेंट रेडियस नहीं कहते, तो फिर किसको कहेंगे कोवेलेंट रेडियस? तो कोवेलेंट रेडियस कहेंगे इसके हाफ के, हाफ ऑफ द बताओ, हाफ ऑफ द टू कोवेलेंट, नहीं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। कमाल यार, किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कोई है भी या नहीं क्लास में? हाँ तो बताओ ना। सारी सारी है सर आवाज। ओके ओके, तो कोवेलेंट रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, इसको हम कोवेलेंट रेडियस नहीं कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस किसको कहते हैं? किसको? समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब हम मेटालिक रेडियस के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, तो भाई रेडियस जो रहेगा मेटालिक रेडियस, मेटल में क्या होता है, मेटल के जो एटम होते हैं उनके बीच में भी एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? जैसे ये वाला कंपाउंड जो था कोवेलेंट कंपाउंड जिसको हमने कहा था, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक उसी तरह से जब दो मेटल, ये एक मेटल और ये एक मेटल, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इसमें जो बॉन्ड तैयार होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। जैसे देखिए कोवेलेंट रेडियस को मैंने देखिए एक के ऊपर एक निकाला था और नीचे में मैंने दो को ऐसे निकाला था जो जस्ट टच है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जस्ट टच है। समझ में आ रहा है? राइट। तो मेटालिक बॉन्ड जो रहेगा ये वाला, पहले बताओ ये जो मैंने निकाला हुआ है ये क्या है? जो हरे कलर की लाइन मैंने निकाली है वो क्या है? जैसे यहां पर आपने बताया ना, ये चीज क्या थी? बिटवीन टू मेटालिक बॉन्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मेटल एटम, ठीक है, क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है वो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द सेंटर सेंटर ऑफ मेटालिक एटम टू मेटालिक मेटल एटम्स।
हाँ मेटालिक एटम्स या मेटल एटम्स, समझ में आ गया? तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी डिस्टेंस को मैं मेटालिक रेडियस कहूंगा क्या? नहीं नहीं कहूंगा, दिस इज नॉट द मेटालिक रेडियस। तो फिर मेटालिक रेडियस में किसको कहूंगा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मेटालिक एटम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स, वेरी गुड, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मेटल एटम्स को कहूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमारे कितने टाइप के रेडियस देखना हो गए? सभी। वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में मैंने समझाया था आपको, ठीक है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। वैन डर वाल रेडियस ये होता है, ये तो मेरे मॉलिक्यूल हो गए और इन दो मॉलिक्यूल के ये एडजेसेंट कार्बन हो गए, इसको मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ठीक है, राइट। और वैन डर वाल रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस होता है क्या? नो नो, तो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? इसका भी हाफ। हाफ, क्लियर है, डन। तो अभी तक हमारे पास कितने टाइप के रेडियस हो गए? तो सबसे पहले हमारे पास था एटॉमिक रेडियस पढ़ा है हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने पढ़ा है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में कितने रेडियस थे? टू टू टू, कौन से? उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। फिर हमने पढ़ा है कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। और फिर हम लोगों ने फाइनली कौन सा रेडियस पढ़ा हुआ है? वैन डर वाल रेडियस। चलो बताओ, अब इनमें सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा, इन सभी रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? एटॉमिक रेडियस। बड़ा होता है क्या वो? नहीं, वैन डर वाल रेडियस। सबसे बड़ा कौन है? ये देखो यहाँ पर बड़ा हुआ है, कौन सा है? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, वैन डर वाल रेडियस। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा कौन होता है? मेटालिक रेडियस। वेरी गुड, मेटालिक रेडियस भी सबसे बड़ा होता है। फिर सबसे बड़ा कौन हो रहा है? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हो रहा है। फिर कौन हो रहा है? आयोनिक। आयोनिक रेडियस। आयोनिक, कौन सा आयोनिक? कैटायनिक या आयोनिक? एनायनिक रेडियस। फिर कौन सा हो रहा है? कैटायनिक रेडियस होता है क्या? फिर नहीं नहीं, एटॉमिक रेडियस। फिर कौन सा होता है? एटॉमिक रेडियस। और सबसे छोटा कौन होता है? कैटायनिक रेडियस। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब वैन डर वाल रेडियस के बारे में एक खास बात बता देता हूँ कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है, वैन डर वाल रेडियस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वी डी डब्ल्यू। ओके, क्या लिख रहे हैं हम? आर मतलब रेडियस, वी डी डब्ल्यू मतलब वैन डर वाल रेडियस। ओके, क्लियर है? क्लियर। तो ये जो क्या हुआ? क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आर वैन डर वाल अभी दिख रहा है? आर बी डी डब्ल्यू ऐसा लिखा है मैंने, दिख रहा है? नहीं। हाँ सर, नहीं। ओके, इसके बारे में एक चीज मैं बता रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेड। सर वीडियो अटक गया।
वीडियो अटक गया पक्का? नहीं नहीं सर। हाँ। बोर्ड पे का कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे तो तुम रिजॉइन हो जाओ वापस से। सर अभी किया ना, वापस करो। तो नंबर ऑफ शेल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके okay? और ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, अच्छे से दिमाग में रखना है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वैन डर वाल रेडियस के बारे में मैं जो बता रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। मैंने बोला ये जो मैंने फॉर्मूला मतलब ये एक चीज बता रहा हूँ कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ओके अब इसके बेसिस पर एक जरा सा सवाल है आप लोग के लिए, और वो सवाल है कि आप लोगों को वैन डर वाल रेडियस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये एलिमेंट है मेरे पास। देखे मैंने बताया था वैन डर वाल रेडियस हम सिर्फ इनर्ट गैस के लिए कंसीडर करते हैं, बट दैट रियली डजंट मीन कि अदर एलिमेंट के लिए हम उसका वैन डर वाल रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। वैन डर वाल रेडियस हम किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, लेकिन जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो उससे टाइम पर इनर्ट गैसेस के लिए हम एटॉमिक रेडियस को कंसिडर न करते हुए वैन डर वाल रेडियस को कंसिडर करते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई ये जो एलिमेंट मेरे सामने है नाइट्रोजन ओके ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन, इनका मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वैन डर वाल रेडियस का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल रेडियस। चलो बताइए अभी। बता सकते हो कोई? ब्रोमीन। अभी वो सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प लो। वैन डर वाल रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ करता है? नंबर ऑफ शेल के साथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ करता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कौन से पीरियड में आता है? फर्स्ट पीरियड में आता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में। क्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में आता है। और ब्रोमीन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड फोर्थ फोर्थ पीरियड में आता है ना। अब इससे आप लोग को क्या ध्यान में आ रहा है कि वैन डर वाल रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, और आपको पता है पीरियड नंबर, पीरियड क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स तो इससे आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा किसका होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। उसके बाद में क्लोरीन। क्लोरीन। अब दिक्कत सिर्फ यहाँ आती है क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट है सेम पीरियड में है ना, वो बराबर है, तो फिर वैसे टाइम पर ये वाली चीज काम में आएंगी क्या? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसा प्रोपोर्शनल कर रहा है? इनवर्सली। इनवर्सली मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब रेडियस कम कम कम, लेकिन मुझे रेडियस क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मतलब रेडियस बड़ा चाहिए, तो रेडियस अगर बड़ा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इन दोनों में से न्यूक्लियर चार्ज कम किसका होता है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो आपका ऑक्सीजन का कैसा होगा न्यूक्लियर चार्ज कम? नहीं सर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कम होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो देयरफॉर नाइट्रोजन का रहेगा। फिर नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन।
और सबसे कम किसका रहेगा? हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? हाँ सर। गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो चलो ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो पूरा का पूरा क्या डिस्कस किया हुआ है? रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की है। ठीक है, डन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हमने पीरियोडिसिटी पढ़ ली है, सारी चीजें तो हमने पढ़ ही ली है लगभग। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन मैं इतने जल्दी नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक थोड़ी सी जो चीज है वो थोड़ा सा अभी इससे हटकर हम बात करेंगे। अभी मैं इससे आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो नया टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम का टॉपिक है वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। कल मेरी क्लास है क्या? नहीं। हाँ सर है, फिजिक्स की जगह आपने केमिस्ट्री के लिए थी ना। हाँ हाँ, कल थर्सडे ना। हाँ मैं कल क्लास ले, ठीक है, तो फिर कल मैं क्लास ले रहा हूँ, कल मैं आप लोग को स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिटरमाइन किए। तो याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल लिखा था। तो बताओ सबसे पहले कौन भरा जाता है इसमें? 1s 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 1s। 1s के बाद में फिर कौन भरा जाता है? 2s 2p 2s के बाद में 2p 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 के बाद में 3s 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 के बाद में 3p 3p के बाद में 3 4 4s 4s के बाद में 3d 3d। बराबर है, ये सब ऐसे कर लो। ठीक है, ठीक है, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, then 3d, 4p, 5d, 5s, 4p, 4d, 6s, 4f, 4f, 5d, 6p, 7s। बराबर है, इस तरह से भरा जाता है हमारा। इसको हम क्या कहते पता है? दिस इज कॉल्ड एज अ अबव प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है इसको? अबव प्रिंसिपल ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, डन। तो अभी ध्यान दीजिए, यहां पर फिर अगर मैं बात करता हूं अगर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए मुझे, कौन कौन कैसे कैसे भरा जाएगा? वन एस टू, टू एस टू, बताइए, टू पी सिक्स, टू पी थ्री। सबसे पहले तो 1s2 भरा जाएगा, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, 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 हाँ, 3d10, हाँ, देन 4p6, हाँ, देन 5s2, देन 4d10, 4d10, 5p6, 5p6, कितने हो गए टोटल? वो तो गिन लो, सिर्फ डालते जा रहे हैं। 6s2, 6s2,
यहाँ तक 30 हो गए, 36, 38, 48 और कितने हो गए? 46. अच्छा बचे, हाँ देन 6x2. 5p के बाद में क्या आ रहा है? 6s2. देन 4f. अब कितने हो गए टोटल? देखिए 4f में कितने जा सकते हैं और कितने जाने? 4f1 कितने हो गए अभी टोटल? यहाँ पर कितने हो गए? ये 30 हो गए, 36, 38, 48, 48, 50, 56 और 57. 4f1 बराबर है? हाँ ऐसा होना चाहिए, बराबर है ना? हाँ बट एक्चुअल में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो 4f ऑर्बिटल में नहीं जाता है, वो 4f ऑर्बिटल की जगह, ध्यान में रखिए, ये 4f ऑर्बिटल की जगह 5d ऑर्बिटल में जाता है. मतलब 4f के पहले कौन भरा जा रहा है? 5d. तो ये 4f न होते हुए 6s के बाद में कौन भरा जाएगा? 5d1. ये ओके डन. तो यहाँ सवाल यही पूछा जाता है कि क्यों, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल है मेरा कि क्यों, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को दे सकता हूँ, ठीक है? तो वो एक्सप्लेनेशन होता है कि आप लोगों का जो देखिए ये 57 है, ओके 57 के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है 57 के नियरेस्ट एटॉमिक इनर्ट गैस? 54 होता है. ज़ेनॉन, ज़ेनॉन आता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है? 54 राइट. और 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहाँ तक आता है हमारा? यहाँ तक आता है. हाँ बराबर है डन राइट. तो आप देख पा रहे हो कि ज़ेनॉन का कोर मतलब लास्ट वाला जो आप लोगों का क्या है ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है वो लास्ट वाला आप लोग का? 5p मतलब फिफ्थ ऑर्बिट. कौन सा है? फिफ्थ ऑर्बिट बराबर है. जबकि 4f ऑर्बिट अगर मैंने लिया होता 4f में भरा होता तो ये ऑर्बिट नंबर कौन सा हुआ? F1 4 ऑर्बिट. ये f जो सब ऑर्बिट है ये कौन से ऑर्बिट का है? 4 का. और ज़ेनॉन का जो लास्ट वाला ऑर्बिट भरा जा रहा है वो कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट. और मतलब इसका जो कोर बना हुआ है वो कौन से ऑर्बिट से बना हुआ है? फिफ्थ ऑर्बिट से बना हुआ है. बराबर है डन. अब दिक्कत ये हो जाती है मतलब 4 ऑर्बिट जो रहेगा ये आपके फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर आ रहा है. ओके देखिए 1 ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट और 5th ऑर्बिट राइट. तो ज़ेनॉन का 5th ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है और 4th ऑर्बिट अंदर में आ रहा है इसके. बराबर है 4th ऑर्बिट ये है ना और 5th ऑर्बिट ज़ेनॉन का कंप्लीट है और 4th ऑर्बिट उसके अंदर आ रहा है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोगों ने 4f में डाला होता मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर आपने यहाँ डाला होता तो आपका ये जो ज़ेनॉन का ऑर्बिट है वो स्टेबल हो जाएगा? नहीं होता. नहीं कंप्लीटली फील्ड मतलब अनस्टेबल हो जाएगा? हाँ हाँ क्योंकि राइट नाउ ये स्टेबल है उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए. नहीं राइट नाउ ये ऐसा कंसीडर कीजिए कि ये ज़ेनॉन का कोर है. बराबर है राइट. तो ये इसका 4th ऑर्बिट है राइट. अभी ये इसमें खाली है इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है लेकिन दिक्कत क्या रहेगी कि अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये ज़ेनॉन कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. समझ में आ रहा है ज़ेनॉन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल. इसीलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हम 4f में नहीं डालने की जगह हम कहाँ डालेंगे? 5d में डालेंगे. समझ में आ रहा है आपको? राइट. और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है? फॉर द एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर
57 ओके लेकिन 58 के बाद में ये यही पर आना स्टार्ट हो जाएगा कहां पर 4F मतलब कैसे ऐड होगा ध्यान दीजिए जैसे 58 रहेगा तो 50 में क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन 5D में रहेगा ये रहेगा ही रहेगा ओके और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 4F में आ जाएगा समझ में आ रहा है मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 58 वाले का यहां तक तो कॉमन ही है ओके 6s2 कॉमन रहेगा फिर क्या आ जाएगा 6s2 के बाद में 5d 4s2 नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं 5d1 पहले आएगा और फिर 4f1 ऐसे आएगा समझे हाँ सर राइट 5d में एक इलेक्ट्रॉन वो भरेगा ही भरेगा समझे ना समझ में आया आपको हाँ सर हाँ सर ओके गुड ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट ये वाली चीज थी जो मुझे आप लोग को बतानी है बतानी थी तो ये समझ में आ गया अच्छे से आपको हाँ देखिए ये जो चीज मैंने बताई थी ये अभी एडवांस लेवल की हो गई हाँ मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था छोटे छोटे एग्जांपल लेकर लेकिन अभी मैं ये वाली चीज आपको बताई ये एडवांस लेवल की चीज है एटॉमिक रेडियस भी बेसिक लेवल से लेकर मैंने एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर कर ली तो आज मैं आप लोग को कुछ क्या बोलते हैं उसको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा तो आप कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने की ओके फाइन हाँ सर हाँ सर ठीक है और आज ही कोशिश कीजिए क्योंकि अगर आप आज कोशिश करेंगे तो उसके जो डाउट्स है वो हम कल क्लियर कर सकेंगे ओके यस सर ओके चलो सी यू बाय